का टॉपिक है मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअलिंग हैंडल क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है मैनुअल, फिजिकल इंसान एक जगह से दूसरी जगह से कुछ भी काम कर सकता है, मूव करता है या उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, मैनुअल होना ठीक है। जिसे हम कहते हैं हाथों वाले फिजिकल होता है। अगर लोड ज़्यादा है जमीन है उसके लिए हम कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, टावर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ है जिससे इंसान डायरेक्ट डिलीवरी में आया करते हैं वो तो उसको कहते हैं मैनुअल आएंगे ठीक है। तो सबसे पहले हमें लोड कैपेसिटी चेक करना है कि लोड कैपेसिटी क्या है ठीक है। अगर लोड ज़्यादा है हमारे एक आदमी के उठाने के काबिल नहीं है तो हम हेल्प मांगेंगे दूसरे आदमी से ठीक है। अब दूसरा आदमी आने के बावजूद अगर लोड ज़्यादा है तो हम किसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे ठीक है। तो जो भी मटीरियल जो भी चीज हम सुखाएंगे तो सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे ठीक है, इसका लोड कैपेसिटी क्या है। उसके बाद उसको हम सही पोजीशन में जो है खड़े होके, फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने ये लोड पड़ा है हम एक अच्छी पोजीशन में पहले खुद खड़े हो जाएं, हमारा जो पावर है वो कमर में नहीं आएगा, हमारा जो पावर है वो नी पर पाँव के ऊपर होना चाहिए ठीक है। हमारा जो जोर है दबाव है वो पाँव के ऊपर होना चाहिए, कमर के ऊपर नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर हम अचानक कोई लोड इसमें उठाएंगे और लोड हेवी होने की वजह से हमारे कमर में दर्द हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है, वो एक डिजिटल टाइप का जो एक सख्त जिसको हम बोलते हैं वो हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, लोड का कैपेसिटी देख के उसके बाद नी पर लोड ला के और उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है ठीक है। अगर लोड ज़्यादा देर तक लेके जाना है क्योंकि रास्ते में ऐसी ऊंचाई जगह रखना है देखना है जिसके ऊपर उसको रखना है, लाइक बेंच हो गया या इस तरह ऐसा ऊंचाई ताकि हमें दोबारा इतना ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर वजन एक आदमी से लोड से ज़्यादा है तो हम दूसरे आदमी का हेल्प लेंगे और एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करेंगे ठीक है। अगर हम इस तरह बिना सोच के एक लोड उठाएंगे तो हमें क्या क्या हो सकता है, इमीडिएट हमारे समय में